नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंशिका जारवाल। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि कुछ दिन पहले मैंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिखा था और 5 मुद्दे उठाए थे। उसमें से एक मुद्दा यह था कि कैसे पीएम मोदी दूसरी पार्टियों के सबसे भ्रष्ट राजनेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और क्या मोहन भागवत उससे सहमत है। 27 जून 2023 को पीएम मोदी ने कहा कि अजीत पवार 27,000 रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में शामिल हैं और 5 दिन बाद ही उन्हें महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया गया था। आप लोग भी देखिए और क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने इस वायरल वीडियो में। मैंने 4-5 दिन पहले मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में मैंने मोहन भागवत जी से 5 मुद्दों की बात की थी और उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को ईडी और सीबीआई से डरा के या पैसों का लालच दे के दूसरी पार्टियों से तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्या मोहन भागवत जी उनसे सहमत हैं? मोदी जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, अमित शाह जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, भारतीय जनता पार्टी ने खुद जिन लोगों को कुछ दिन पहले भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, हम इनको जेल भेजेंगे। 27 जून 2023 और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया।